हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टोरी एंड दैट स्टोरी इज इन हिंदी. ओके, आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं और वह स्टोरी है हिंदी में, तो आपको मज़ा भी बहुत आएगा. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, यहाँ पे पिक्चर में आपको दो घड़े दिखाई दे रहे हैं. यस, तो ये दो घड़े में से एक घड़ा है फूटा हुआ, इसीलिए हमारी स्टोरी का नाम है फूटा घड़ा. क्या नाम है? फूटा घड़ा. अभी ये फूटे घड़े की स्टोरी में से हमें क्या मिलने वाला है, तो वही हम आज ये स्टोरी में पढ़ने वाले हैं कि यह स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट इट. यस, देखो घड़ा है फूटा हुआ, इसीलिए स्टोरी का नाम फूटा घड़ा. एक गांव में एक किसान रहता था. किसान का नाम था रामू और उसका एक छोटा सा खेत था. उसके पास दो घड़े थे और वह दो घड़े का इस्तेमाल करके वो पानी अपने घर तक पहुंचाता था. पर एक घड़ा तो फूटा हुआ था, इसीलिए एक घड़ा पूरा भरा हुआ घर जाता था और एक घड़ा खाली, यानी कि थोड़ा ही पानी उसमें रहता था, और दूसरा घड़ा जो था वो तो पूरा भरा हुआ अपने घर जाता था. तो वो जो आधा पानी वाला घड़ा होता था ना, वो बहुत दुखी होता था कि मैं तो मालिक के किसी के काम का नहीं हूँ, मैं मालिक के किसी भी काम का नहीं हूँ, क्योंकि मेरे में तो पानी ही नहीं बचता. और यह बात के ताने वो भरा हुआ घड़ा फूटे हुए घड़े को हर बार सुनाता था. वह कहता था कि तू तो मालिक के किसी काम का नहीं है, तू तो मालिक के किसी काम का नहीं है, तेरे में तो पानी ही नहीं रहता, तो तू क्या पानी पहुंचाएगा मालिक के घर पे. यह बात एक दिन रामू ने सुन ली और रामू ने फिर वो फूटे हुए घड़े को कहा कि तू रो मत, तेरी यह बुराई में भी मुझे अच्छाई दिखाई देती है. यह सुनकर वो फूटे हुए घड़े ने अपने मालिक को पूछा, वह कैसे, बताओ तो ज़रा मुझे, मैं किस काम पे आता हूँ आपको. फिर रामू ने कहा, जब हम पानी घर ले जाते तब तेरे घड़े में से पानी बह जाता है और वो बहा हुआ पानी हमारे फूलों और पौधों को मिलता है और वह अच्छे से बढ़ते हैं, पर वह कैसे काम में आया. तो रामू ने कहा, वो फूल मैं बाज़ार में बेच देता हूँ और उसी में से मैं धन कमाता हूँ और वह धन से मैं खेत के लिए अच्छे से बीज लाता हूँ. तो हुए ना तू भी मेरे काम का. हाँ, तू भी मेरे उतने ही काम का है. सो बच्चों, इसी में से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के हुनर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसकी अच्छाई को ढूंढकर उसे और निखारना चाहिए. यानी कि हमें हमसे बढ़कर या तो हमसे छोटा कोई भी क्यों ना हो, हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए. हमें भले ही हमें बहुत सब कुछ आता हो, पर अगर किसी को हमारे जैसा नहीं आता है तो हमें उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ओके, और अगर कोई बुरा है तो उसी बुराई में से हमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए. ओके, सो यह स्टोरी आप सबको आपके फैमिली के साथ, आपके घर के सदस्यों के साथ बैठकर अच्छे से सुननी है और इसमें से आपको सीख लेनी है. थैंक यू एवरीवन.